नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्म सेतु में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। धान की एक एकड़ खेती के लिए आपको 4 से 5 केजी बीज चाहिए। दोस्तों, हमने हाइब्रिड बीज लिया है, आप देसी बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड बीज की नर्सरी तैयार करने के लिए उसको कम से कम 1 घंटा भिगोना ज़रूरी होता है। यदि आपके खेतों में पानी नहीं लगा हुआ हो तो बीज डालने से पहले उसको अंकुरित ज़रूर कर लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि जो हमारा खेत है वो जुताई और हंगाई करके तैयार हो चुका है। अब जुताई और हंगाई के बाद कम से कम 1 घंटा के लिए खेत को स्थिर छोड़ देते हैं, उसके बाद उसमें बीजों की छिटाई करते हैं। तो जब हम धान का बीज डालते हैं तो खास बात का यह ध्यान रखना होगा कि हम जो बीज की बुआई कर रहे हैं वो एक साइड से करें, उधर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अन्यथा क्या होगा कि आपके पैर से दबकर बीज नीचे चला जाएगा, जिससे वो अच्छी तरह से नहीं उग पाएगा। और आपको एक और ख़ास बात की ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि आपको हर 4 से 5 दिन में पानी डालना ज़रूरी होगा, अन्यथा आपका जो पेड़ है वो सूख जाएगा। यदि आप किसी तरह का उर्वरक का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप जुताई के समय ही डाल दें। एक बार जब हम बुआई कर देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का उर्वरक नहीं डालते हैं। जो धान का जो पौधा है तैयार होने में करीबन 25 से 30 दिन लग जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो हमारा अंकुरित हुआ है ये day 3, ये day 7 और ये 15वें दिन का प्रोग्रेस है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।